यहाँ पूरा इतिहास भरा पड़ा है दोस्तों। हम इस अपनी पूरी इस यात्रा में आपको चंबल की सैर कराने वाले हैं। चंबल के किनारे रहने वाले लोगों के विचार, उनके व्यवहार, उनकी स्थिति, उनकी आस्था, उनकी संस्कृति, इन सब से परिचित कराने वाले हैं। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं बटेश्वर मंदिर समूह की तरफ। गुर्जर प्रतिहार काल के लगभग 100 मंदिरों का एक समूह है, आपको वो मंदिर समूह दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात ये गौर करने वाली है कि यहाँ पर आज से 15 साल पहले पूरी तरह खंडहर हुआ करता था। और ये खंडहर एक बार यहाँ आर्कोलॉजिस्ट थे के मोहम्मद, उनकी निगाह में आया। और जब उन्होंने इसमें देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे पिलर्स जिन पे बहुत अच्छा उत्कृष्ट अंकन हो रहा है, उनकी निगाह पड़ी, तो उन्होंने इसे संयोजित करने का प्रयास किया। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा आई वो थी कि यहाँ डाकुओं ने बसेरा कर रखा था। एक निर्वय सिंह गुर्जर नाम का एक खूंखार डाकू था चंबल का, और उसने यहाँ अपना बसेरा कर रखा था। उसके रहते हुए यहाँ किसी भी तरह काम करना बड़ा मुश्किल था। तो के मोहम्मद ने, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, वो इसे अपना तीर्थ तक माँ कहते हैं, तो उन्होंने उन्होंने निर्वय गुर्जर से मिलने का प्रयास किया, और उसमें वो सफल भी हुए। निर्वय गुर्जर से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने निर्वय से कहा कि ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में गुर्जरों के द्वारा बनाया गया है, ये तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, क्या तुम इस मंदिर की सुरक्षा नहीं करोगे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि ये भगवान फिर से अपने सही रूप में आए, दुनिया ऐसे देखने आए? आस्था बालों को ये जगह क्यों नहीं नसीब हो? तब कहते हैं कि निर्वय गुर्जर चूँकि शिव भक्त था, और उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने के मोहम्मद को आश्वासन दिया कि आज के बाद मैं इस कार्य में आपके साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ, और मैं इस मंदिर का पूरा संरक्षण करूँगा। यहाँ मैं आपको ये दिखाऊँगा कि ये इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। इस गर्भगृह की जो है, इस गर्भगृह की छत नहीं है, इस छत को देखेंगे, अभी छत नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि इसके जो पिलर्स वगैरह हैं ये अभी इसमें हैं, और कुछ देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां भी हैं, लेकिन ये सारे जब आप इन पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये सारे देवी देवता या जो भी इस पर अंकन हो रहा है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, टूट फूट हो चुकी है, अंग भंग किए जा चुके हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप इसकी, इस मूर्ति की अनुभव की जा चुकी है, कई जगह टूट फूट हुई है। अब ये अभी कहना ये मुश्किल है कि ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है किसी भूकंप की वजह से हुआ, या मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए उसके बाद में सल्तनत काल में, मुगल काल में, उनके द्वारा किया गया, क्योंकि बहुतायत में ये जो है ये काम क्षतिग्रस्त करने का, मूर्तियों को तोड़ने का, ये मुगल काल में सबसे ज़्यादा और सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। हालांकि ये भी अपने आप में एक अपवाद ही है कि के मोहम्मद एक मुस्लिम होते हुए और उन्होंने इस मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए, पुनर्गठन के लिए अपनी जी जान लगा दी।
तो दोस्तों ये था बटेश्वर का मंदिर, आपको हमारी ये चंबल घाटी की सीरीज़ कैसी लग रही है, इसमें हम चंबल घाटी में स्थित, चंबल के भीड़ों में स्थित बहुत सारे जो मंदिर हैं, इतिहास छुपा पड़ा है, जो इतिहास है, यहाँ की धार्मिक आस्था है, यहाँ की संस्कृति है, हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिखा रहे हैं। यदि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है, हमारी घुमक्कड़ी पसंद आती है, तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर एक बार मुलाकात होगी किसी ऐसी किसी दूसरी जगह पर, तब तक के लिए अलविदा।